हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है एक मेन का एक नया वीडियो पे। सो दोस्तों आज के वीडियो पे हम बात करने वाला है एमआई के तरफ से लॉन्च हुआ एक नया नोटबुक के बारे में, जिसको आप लैपटॉप भी बोल सकते हो, जिसका नाम है एमआई नोटबुक प्रो एक्स 15। तो ये एक नया लैपटॉप है जिसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, प्राइस आप लोगों को बताएंगे, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है सारी चीज़ बताएंगे, कौन सा वाला मॉडल जो आप लोगों को लेना चाहिए ये कहाँ पर अवेलेबल होगा, किस तरीके से आप बाय कर सकते हो, सारे डिटेल में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए फुल बनेगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों एमआई नोटबुक प्रो एक्स 15 एक नया लैपटॉप है एमआई के तरफ से। तो इसके सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं विंडोज वर्जन वगैरह के बारे में, तो यहां पे दोस्तों आप लोगों को विंडोज 10 का होम वर्जन जो है वो देखने को मिल जाता है, लेटेस्ट विंडोज 11 आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। स्क्रीन साइज वगैरह का बात करता हूँ तो 15.6 इंच का 3.5 के रेजोल्यूशन के साथ आने वाला एक सैमसंग का E4 OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 261 PPI आप लोगों को देखने को मिलेगा एंड 600 निट्स ऑफ ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। 100% sRGB जो है सैम्पल देखने को मिल जाता है, DCI-P3 कलर गैमेट देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, बिकॉज OLED डिस्प्ले वगैरह आप लोगों को मिल रहा है तो सही है। और यहाँ पे 600 निट्स ब्राइटनेस होने के चक्कर में आप धूप पे भी अगर इसको यूज़ करते हो, मतलब बाहर पे कहीं पे भी आप यूज़ करते हो ऑन द गो, तो आप लोगों को डिस्प्ले पे देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप अपना नॉर्मल काम वगैरह कर रहे हो या किसी भी टाइप के कंटेंट को अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बात अगर करूँ प्रोसेसर वगैरह का, तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोसेसर कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली दोनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात किया जा रहा है, जहाँ पे एक है 11 जनरेशन कोर इंटेल कोर i5 प्रोसेसर के साथ और एक है इंटेल कोर i7 प्रोसेसर के साथ। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ 11 जनरेशन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर के साथ, तो यहाँ पे आप लोगों को 32 GB का जो है रैम ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ 1 TB स्टोरेज भी मिल जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड का मैं अगर बात करूं तो NVIDIA GeForce का जो है RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो प्रोसेसर जो है वो काफ़ी सही है, तो परफॉर्मेंस आप लोगों को टॉप नॉच मिलेगा। ग्राफिक्स कार्ड सही है तो गेमिंग वगैरह खेलने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अल्टीमेट ग्राफिक्स आप लोगों को मिल जाएगा। इवन दोस्तों उसके साथ साथ रैम 32 GB के होने के चक्कर में कोई भी लैगिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा, और स्टोरेज के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले, बिकॉज 1 TB ऑफ स्टोरेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात है कि आप आराम से बहुत सारे गेम को इस डिवाइस के अंदर रख सकते हो और उसको एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज ज़्यादातर कंटेंट हम लोग आज के टाइम पे यूट्यूब पे या OTT प्लेटफॉर्म पे एंजॉय कर लेते हैं, तो डिवाइस पे सेव करके या डाउनलोड करके रख के दिखने का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपरली आप गेमिंग वगैरह के लिए आपके जो भी एडिटिंग का काम है या कोई भी ऑफिस का काम है या पढ़ाई का काम है, हर एक काम के लिए ही आप इस डिवाइस को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों कंपनी एक फुल साइज बैकलिट LED कीपैड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अंधेरा पे भी आप काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो की ट्रेवल है वो 1.3 mm का है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। एम्बियंट लाइट सेंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो लाइट है वो एडजस्ट होते रहता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला इसके डिस्प्ले वगैरह को देखने के लिए। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिविटी वगैरह का अगर मैं बात करता हूँ तो ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट दिया गया है, तो ऑब्वियसली आराम से आप किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को अपने डिवाइस ये जो नोटबुक है इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। वाईफाई 6 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस डिवाइस के अंदर। और उसके साथ साथ दोस्तों इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को दो USB टाइप ए 3.2 जनरेशन सेकेंड का जो है पोर्ट देखने को मिल जाएगा। USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, थंडरबोल्ट पोर्ट 4 पोर्ट मिल जाता है, 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है, HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है। तो काफ़ी सारे जो है आपको पोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है, तो जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। और एक चीज़ बता देना चाहूँगा, ये जो डिवाइस है USB टाइप सी पोर्ट के थ्रू चार्ज होता है, तो आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होगा। अब स्पीकर वगैरह के मैं बात करता हूँ तो कंपनी यहाँ पे 4 स्पीकर प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को DTS ऑडियो देखने को मिल जाएगा, तो ऑडियो क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड 2x2 माइक्रोफोन एरे भी देखने को मिल जाता है, एंड उसके साथ साथ 720p का वेबकैम देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आप अगर कोई भी आपके मीटिंग वगैरह कर रहे हो ऑफिस का या कोई भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा।
अब अगर बात करो इस डिवाइस के बैटरी बैकअप वगैरह के बारे में, तो कंपनी बोल रहा है कि 11.5 आवर्स का बैटरी बैकअप आप लोगों को मिल जाएगा सिंगल चार्ज पे। मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा बैकअप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर यूसेज, किस टाइप से आप इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इस डिवाइस को यूज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं 9.5-10 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और 130 वाट का टाइप सी पोर्ट के साथ ये जो है केबल है, इसके साथ ये अडैप्टर के साथ चार्ज होते रहेगा। तो कंपनी बोल रहा है कि 25 मिनट्स के अंदर 50% जो चार्ज है वो आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो डिवाइस है इसके अंदर आप लोगों को 80 वाट आवर का बैटरी बैकअप जो है, मतलब जो बैटरी है वो देखने को मिल जाता है। और फाइनली दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बॉडी जो मटेरियल वगैरह है, तो 6 सीरीज एल्युमिनियम अलॉय यूज़ किया गया है, और उसके साथ साथ कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल करके एक प्रोसेस है जिसको शेपिंग के लिए यूज़ किया गया है। तो ये है ऑलमोस्ट दोस्तों इसका स्पेसिफिकेशंस। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके प्राइस एंड अवेलेबिलिटी वगैरह के बारे में, तो प्राइस जो है दोनों मॉडल है, जैसे मैंने बोला दो प्रोसेसर के साथ, अलग अलग प्रोसेसर के साथ आता है। एक है 11 जनरेशन इंटेल कोर i5 विथ 16 GB रैम एंड 512 GB ऑफ SSD, जिसका प्राइस है ऑलमोस्ट 92,000 रुपीज़। और जो मैंने बताया 11 जनरेशन कोर i7 प्रोसेसर, उसके साथ 232 GB का रैम एंड 1 TB का जो है स्टोरेज, उस पर आप लोगों को 1,15,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। अब बात है कि ये जो MI Notebook Pro X15 ये जो डिवाइस है ये चाइना के मार्केट पे लॉन्च हुआ है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप MI के स्टोर वगैरह पे देख सकते हो, और उसके साथ साथ जो अलीबाबा वगैरह है वहाँ पे भी एक बार चेक करके देख सकते हो, शायद आप लोगों को मिल जाएगा। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि MI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप लोगों को जो है सही चीज़ मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और ये जो डिवाइस है इसका शिपमेंट 9 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप प्री बुकिंग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट मैं कोशिश करूंगा जो लिंक है बाय करने का वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर देने का। तो ऑलमोस्ट दोस्तों यही है एक नया नोटबुक का जो MI के तरफ से लॉन्च हुआ है, MI नोटबुक प्रो X15 का। अब बात है, बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये डिवाइस हम लोगों को इंडियन मार्केट पर कब देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक इसके बारे में कोई भी खबर हम लोगों के पास नहीं आया कि कब तक ये डिवाइस हम लोगों को इंडियन मार्केट पे देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, अगर ये डिवाइस भी ना आए तो इसके आसपास का कोई भी डिवाइस शायद हम लोगों को देखने को मिल सकता है। कंफर्म में नहीं हूँ, लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। खैर देखते हैं मतलब किस टाइप से ये आता है, बट मेरे को नहीं लगता है कि इतना प्राइस के साथ ये डिवाइस इंडियन मार्केट पे लॉन्च होगा। और अगर होगा भी तो सही प्रोडक्ट है, बिकॉज जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा है, स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी आप लोगों को अच्छा देखने को मिल जाएगा, बैटरी बैकअप काफ़ी सही मिल जाता है। तो ऑल ओवर द स्पेक्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं, प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। और आपके हर एक टाइप का काम जो है ये प्रॉपरली सॉल्व कर देता है, चाहे वो आपके एडिटिंग वगैरह का काम हो, ऑफिस का काम हो, पढ़ाई वगैरह का काम हो, तो जितने भी काम वगैरह है वो ये प्रॉपरली मैनेज कर लेगा मेरे हिसाब से। अब खैर देखते हैं इंडियन मार्केट पे कब आता, अगर कुछ ऐसा न्यूज़ आया तो मैं ऑब्वियसली कम्युनिटी टैब पे, इंस्टा पे, हर एक जगह पे अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते हो तो आप लोग ज़रूर मेरे को फॉलो कर सकते हो, टेक मेरी ID। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।